वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की सामने आई सफाई को डिप्टी सीएम अरुण साव ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सब लोगों ने बयान को स्पष्ट सुना है, उनकी भाषा बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ये जनता के बीच मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनसे दूर जा चुकी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मोदी की गारंटी क्या होती है और कैसे होती है, छत्तीसगढ़ वासियों से पूछें, 100 दिन के अंदर हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। राजनांदगांव में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, पर राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव जो हमारी संस्कारधानी है, राजनांदगांव के लोग बहुत समझदार हैं, इस तरह की कुटिल राजनीति में नहीं फंसेंगे। राजनांदगांव के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अडिग होकर खड़े हैं और राजनांदगांव में सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगदान करेंगे।